वेलकम बैक टू माय चैनल गणित। तो मैं फिर से वापस आ चुका हूं आप सबके लिए एक और होली लेफ्ट राइट मूविंग लिरिक्स स्टेटस वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल लेकर। तो ये छोटा सा वीडियो देखने के बाद आप लोग भी सिंपल व्यू के जैसा ही एक होली के लिए लेफ्ट राइट मूविंग लिरिक्स स्टेटस वीडियो एडिट कर सकते हो। तो ये छोटा सा वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना। और हाँ गाइस, इस वीडियो को बनाने के लिए मैं जितने भी मटेरियल यूज करूंगा सभी का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, वहां से क्लिक करके आप सारे मटेरियल डाउनलोड कर लेना। और फोटो आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। अब चलिए जान बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अपना BN एप्लीकेशन ओपन कर लेना। अगर एप्लीकेशन नहीं है तो इसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। और यहां पर प्लस के आइकन पर क्लिक करना, न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना, आपकी गैलरी यहां से ओपन हो जाएगी। फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करके यहां से आप लोगों को 10 फोटो होली का ऐड कर लेना है। आपके पास फोटो नहीं है तो मैं पीछे ही बोला हूं कि फोटो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। तो यहां से 10 फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे, मैं यहां से 10 फोटो सिलेक्ट कर ले रहा हूं, आप लोग भी सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब आपका VN ऐप के अंदर आ जाएगा, ऊपर साइड में ओरिजिनल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना एंड साइज को यहां से 9x16 करके एक बार आप लोग स्क्रीन पर टाइप कर देना। अब आपको वीडियो के लास्ट में आ जाना है, यहां पर एक वाटर मार्क दिखेगा, इस वाटर मार्क का हमें कोई काम नहीं रहता तो यहां से क्लिक करके इस वाटर मार्क को यहां से डिलीट कर देंगे। अब वाटर मार्क डिलीट हो जाने के बाद यहां से आप लोग अपनी फोटो को दोनों फिंगर से यहां से जूम कर लेंगे, कुछ इस तरीके से जूम कर लेना। अब जूम करने के बाद यहां से फर्स्ट में आ जाना एंड फोटो का लेंथ यहां से आपका बड़ा होगा तो फोटो को यहां से क्लिक करके आप लोग कुछ थोड़ा थोड़ा यहां से क्रॉप कर लेना, कुछ इतना आपने अपनी फोटो पर क्लिक करना एंड यहां से फोटो को ड्यूरेशन को थोड़ा थोड़ा यहां से आप लोग क्रॉप कर लेना। तो जल्दी से यहां से मैं क्रॉप कर ले रहा हूं, आप लोग भी यहां से फोटो पर क्लिक करके यहां से कुछ इस तरीके से आप लोग क्रॉप कर लेना। अब इतना हो जाने के बाद अब आपको वीडियो के फर्स्ट में आ जाना है। अब आपको अपनी फोटो में लेफ्ट एंड राइट वाला एनिमेशन ऐड करना है, तो उसके लिए आपको अपनी फोटो पर क्लिक करना है एंड नीचे साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन दिख जाएगा जूम का, तो इस पर आप लोग क्लिक करना। देन क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोग मूव राइट वाले को सेलेक्ट कर लेना फर्स्ट वाली फोटो में। इतना हो जाने के बाद डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब आपको अपनी सेकेंड वाली फोटो पर आ जाना है एंड फोटो पर क्लिक करना है, देन जूम के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस बार में आपकी मूव लेफ्ट वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है, देन डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसी तरह आप लोग थर्ड वाली फोटो पर क्लिक करना एंड जूम के ऑप्शन पर जाना, इसमें आपको मूव राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको फोर्थ नंबर फोटो पर आ जाना है, देन जूम के ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आप लोग मूव लेफ्ट वाले को सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर आपने जितना फोटो ऐड किया है हर एक फोटो में एक में राइट एक में लेफ्ट वाला एनिमेशन ऐड करना है। तो यहाँ पर पांचवें नंबर फोटो पर क्लिक करेंगे, जूम के ऑप्शन पर जाएंगे एंड यहाँ से मूव राइट कर लेंगे, देन डन कर लेंगे। गाइस देख सकते हो यहाँ से मैं मूव राइट मूव लेफ्ट एक एक फोटो में ऐड कर दिया हूँ, एक फोटो में मूव राइट एक फोटो में मूव लेफ्ट, इतना मैं ऐड करके यहाँ से लेफ्ट राइट वाला एनिमेशन ऐड कर लिया हूँ, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। तो इतना हो जाने के बाद अब आपको अपनी वीडियो को थोड़ा सा प्ले करना है एंड यहाँ पर देखोगे तो एक छोटा सा प्लस का आइकन शो होगा दो फोटो के बीच में, तो इस पर आप लोग क्लिक कर देना एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग को बहुत सारा एनिमेशन मिलेगा, तो किसी एक को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, जूम वन को सेलेक्ट कर लेंगे, देन यहाँ से डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आपको दूसरे नंबर पर आ जाना है प्लस के आइकन पर, यहाँ पर देख सकते हो दूसरे पर क्लिक करेंगे एंड यहां पर आप लोग जूम टू वाले को सेलेक्ट करके यहां से डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब आपको थर्ड वाले प्लस के आइकन पर आ जाना है एंड यहां पर जो भी एनिमेशन आपको मिलेगा यहां पर किसी एक को सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि इस बार में सेक वन वाले को मैं यहां से सेलेक्ट कर लेता हूं, आप लोग भी सेलेक्ट कर लेना, देन डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। इसी तरह आपको जितना भी प्लस का आइकन दिखेगा प्लस के आइकन पर क्लिक करना एंड यहां से आप लोग अपने मनपसंद एनिमेशन यहां से ऐड कर लेना कुछ इस तरीके से, यहां से ऐड करके डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। तो जल्दी से यहां से मैं ऐड करके आपसे मिलता हूं। गाइस देख सकते हो यहाँ से मैं सभी फोटो में एनिमेशन इफेक्ट ऐड कर दिया हूँ प्लस के आइकन पर, आप लोग भी इसी तरह करिएगा एंड अब आपको वीडियो के फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद यहाँ पर आप लोग को एक व्हाइट शैडो को ऐड कर देना है, इसका डाउनलोड फाइल वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। प्लस के आइकन पर क्लिक करना, वीडियो फोटोज ऑप्शन पर क्लिक करना, आपकी गैलरी यहाँ से ओपन हो जाएगी। फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप लोग व्हाइट शैडो को ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद नीचे साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल कर देना, एक ऑप्शन दिख जाएगा फिल का, तो इस पर आप लोग क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन में कर लेना एंड नीचे साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा ब्लेंडिंग का, तो इस पर आप लोग क्लिक करना। क्लिक करने के बाद इसको स्क्रीन करके डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब जान इतना हो जाने के बाद एक बार आप लोग स्क्रीन पर टाइप कर देना, देन यहाँ से आप लोगों को एक
ग्रीन स्क्रीन फोटो को ऐड कर देना है। इसका भी डाउनलोड फाइल वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। इसके बाद प्लस के आइकन पर जाना, वीडियो फोटो वाले ऑप्शन पर जाना एंड यहाँ से ग्रीन स्क्रीन फोटो को आप लोग ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद नीचे साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल कर देना, फिल के ऑप्शन आएगा, इस पर आप लोग क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन में कर देना एंड नीचे साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ पर क्रोमा का ऑप्शन दिखेगा, इस पर भी आप लोग क्लिक कर देना एंड क्लिक करने के बाद इस प्लस वाले आइकन को उठा के कुछ इस तरीके से घुमा देना एंड इंटेंसिटी को यहाँ से करीब 35 या 45 आपको यहाँ से कर लेना है, देन डन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब अपनी वीडियो को थोड़ा सा प्ले करना है एंड देखोगे तो यहाँ से जो ग्रीन स्क्रीन का फोटो था वो फुल वीडियो में नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पर क्लिक करके इसको वीडियो एंड कर देना एंड व्हाइट शैडो जो है इसको भी आपको फुल वीडियो में कर देना है। इतना हो जाने के बाद अब आपको वीडियो के फर्स्ट में आ जाना है एंड एक बार स्क्रीन पर टाइप करना है, देन लिरिक्स वीडियो को आप लोगों को ऐड कर लेना है। लिरिक्स वीडियो का लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। इसके बाद प्लस के आइकन पर जाना, वीडियो फोटो वाले ऑप्शन पर जाना एंड यहाँ से वीडियो के ऑप्शन पर आकर आप लोगों को लिरिक्स वीडियो को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को अपने फिंगर से कुछ इस तरीके से लिरिक्स को बड़ा कर लेंगे, कुछ इस तरीके से बड़ा करके यहाँ पर आप लोग नीचे साइड में कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐड कर देंगे। ऐड हो जाने के बाद नीचे साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल कर देना, ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर जाना एंड यहां से आप लोग इसको मल्टीप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करके राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब यहां से देख सकते हो आपका लिरिक्स वीडियो बहुत अच्छे तरीके से यहां से लग गया है, आप लोग भी इसी तरह लिरिक्स वीडियो को लगा लेना। अब लगाने के बाद गाइस यहां से देख सकते हो अपनी वीडियो को फर्स्ट में आ जाना, यहां पर आप लोग को एक इफेक्ट ऐड करना है व्हाइट वाला, तो यहां पर आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करना, नीचे साइड में एक ऑप्शन आपको दिखेगा इफेक्ट्स का, तो इस पर आप लोग क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल कर देना, बहुत सारा इफेक्ट्स यहां पर आपको दिखेगा, व्हाइट वाले को यहां से सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद यहां से आप लोग पकड़ के इसको कुछ इस तरीके से यहां तक बढ़ा देना एंड डन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अपने गाने को सुनोगे ना यहाँ पर जो लिरिक्स लगाओगे तो आप लोग सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाइट वाला इफेक्ट कहाँ पे लगाना है। जैसे कि यहाँ पर मैं एक शुरू में लगा दिया हूँ एंड यहाँ पर मैं गाने को सुनकर यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, एक मैं गाने को सुन चुका हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक व्हाइट वाला इफेक्ट लगाना है तो यहाँ पर फोटो पर क्लिक कर देंगे एंड इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे एंड थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर व्हाइट वाला है इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे एंड सेलेक्ट करके कुछ इस तरीके से थोड़ा सा बढ़ा लेंगे एंड राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तंजान इतना हो जाने के बाद कंप्लीट आपका वीडियो बन के रेडी हो गया है, जिस तरह का वीडियो आपने प्रीव्यू में देखा था। तो यहाँ से मैं एक बार प्ले करके वीडियो को आप लोगों को और दिखा देता हूँ। तो गाइस देख सकते हो कंप्लीट हमारी वीडियो बन के रेडी हो गई है। तो इस वीडियो को अपनी गैलरी में सेव करने के लिए यहाँ पर आप लोग एरो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना एंड इसके बाद यहाँ से आप लोग 1080 करके एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस वाली वीडियो को अपनी गैलरी में सेव कर लेना। देन वहाँ से आप लोग किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर इसको अपलोड कर देना। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, साइड में अब आपको 2 वीडियोज दिखाई दे रहे होंगी, किसी एक वीडियो पर क्लिक करके देखो एंड अपने भाई से दूसरी मुलाकात कर लो। टेक केयर एंड